नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ कद्दू की सब्जी। और ये मैंने हरे वाला कद्दू लिया है, कच्चा है बिल्कुल, और इसके जो बाहर के छिलके हैं वो भी बिल्कुल सॉफ्ट है, हार्ड नहीं है। तो इन्हें हम काट लेंगे बराबर पीसेस में, और फिर इनके जो बीज हैं वो भी निकाल लेंगे। कद्दू के बीजों को निकाल लेंगे इस तरह से। मेरे घर में जो है बच्चे कद्दू खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो मैं उन्हें खट्टा मीठा और नमकीन सा बना के देती हूँ, तो खा लेते हैं। तो इसी तरह बनाऊंगी मैं आज। कद्दू को काट लिया है, अब हम तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए मैं यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। सरसों का तेल मैं थोड़ा सा ज़्यादा लूँगी यहाँ पे, कद्दू की सब्ज़ी में जो है थोड़ा सा तेल ज़्यादा ही यूज़ करें तो अच्छा टेस्ट आता है। और ये ले लिए हैं मैंने मसाले, मेथी, सरसों के दाने, सौंफ और दो लाल मिर्च। सबसे पहले हम मेथी ऐड कर लेंगे। मेथी को ना थोड़ा सा भून लेंगे, नहीं तो इसका जो कड़वापन है, कच्ची रह जाएगी तो कड़वापन आता है मेथी से। थोड़ा सा भून लिया है, अब हम इसमें सौंफ, जीरा, दो लाल मिर्च और सरसों के दाने ऐड कर लेंगे, और कलौंजी भी ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने दो से तीन हरी मिर्च ऐड कर दी है। बस 2 मिनट चलाएंगे लो फ्लेम में। अब कद्दू ऐड कर देंगे। और अब अच्छे से मिला लेंगे। कद्दू को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक मैं यहाँ पे पहले ही ऐड कर रही हूँ। नमक को हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है क्वांटिटी ज़्यादा होती है कद्दू की, फिर पकने के बाद कम हो जाती है। तो उसी हिसाब से हम नमक ऐड करेंगे, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और बिल्कुल थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। अब इन सबको मिला लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे कद्दू और मसालों को, और फिर हम इन्हें ढक के पकाएंगे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में। ढक्कन लगा दिया है, अब हम इन्हें 5 मिनट बाद चेक करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब चेक करते हैं कद्दू पक्का है या नहीं। अभी हम इसे 2 मिनट और ढककर पकाएंगे, और फिर 2 मिनट बाद हम चेक करेंगे कद्दू पक गया है। अब हम इसमें और मसाले ऐड करेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच आमचूर पाउडर। मैं यहाँ पे गुड़ या चीनी का यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप चाहे तो इसमें 1 चम्मच चीनी या गुड़ का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सौंफ जो है ज़्यादा मात्रा में ली थी, तो मिठास आ जाएगी सब्ज़ी में हमारी उससे। और 1 चम्मच मैंने खटाई के लिए आमचूर डाल दिया है। और अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे और 2 मिनट पकाएंगे। 2 मिनट के बाद चेक करेंगे, कद्दू की सब्जी बनके तैयार है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी बिल्कुल थोड़ी सी, और लास्ट में हरा धनिया। कद्दू की सब्जी बनके तैयार है, अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। कद्दू की चटपटी सब्जी बनके तैयार है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।